gum, eh? Hey guys, welcome back to my YouTube channel Technical Show Me. Guys, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने पसंद का फोटो को यूज करके प्रीव्यू कर जैसा एक हैप्पी बर्थडे स्पेशल वीडियो बना सकते हो। गाइज, इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, सीखने के लिए जरूरी इस छोटा सा वीडियो को पूरा देख लेना। और गाइज, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। गाइज, चलिए बिना देरी करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। गाइस, प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी इन ऐप का जरूरत पड़ेगा, और ये ऐप आप लोगों को बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। तो VN ऐप ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन अपने गैलरी से आप लोगों को एक लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है, और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग को ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप जिसका फोटो से वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उसका 12 फोटो के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस, यहाँ पे मैं जो फोटो यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, चलिए फटाफट 12 फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सारे फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन ये लिरिक्स वीडियो और फोटो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। अब आप लोगों को ऊपर में ओरिजिनल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसे डन करके आप लोगों को खिसका के एकदम लास्ट पे जाना है। नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है, फिर से फर्स्ट पोजिशन पर चले आना है। अब इधर से आप लोगों को एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को टोटल 12 बीट मार्क को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइमर 6.27 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहाँ पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खिसका के पहले फर्स्ट टाइमर के ऊपर चले आना। तो फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बिट मार्क ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप लोगों को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, नीचे फिर से फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिट मार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक एक करके सारे बिट मार्क को ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इस प्रोसेस से सारे बिट मार्क को ऐड कर लेना। तो गाइस, सारे बिट मार्क ऐड हो जाने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। अब ये सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा खींच करके बिटमार्क की तरफ आ जाना है। देन नीचे 2 फिंगर से थोड़ा सा जूम करना है ताकि आप लोगों को सारे फोटो और बिटमार्क अच्छी तरह से दिखने को मिले। देन थोड़ा सा खींच करके ऊपर में सॉन्ग के ऊपर जो सेकंड बिटमार्क है, इस सेकंड बिटमार्क के ऊपर आ जाना है। देन नीचे जो फर्स्ट फोटो है, इस फर्स्ट फोटो के ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन क्रॉप करना है बिटमार्क तक। नेक्स्ट आप लोगों को फिर से नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है, नीचे नेक्स्ट फोटो के ऊपर क्लिक करके इसका भी ड्यूरेशन क्रॉप करना है बिटमार्क तक। तो इस तरह से आप लोगों को सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप कर लेना है। तो गाइस, मैं आप लोगों को जल्द से करके दिखा देता हूँ, आप इस तरह से सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप कर लेना। तो सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप करने के बाद लास्ट पे जो फोटो है इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर कर लेना। देन यहाँ से डन करके एकदम फर्स्ट फोटो पार्ट के ऊपर चले आना। अब आप लोगों को सारे फोटोज के ऊपर एक डार्क इफेक्ट को ऐड करना है। तो सिंपली कोई भी एक फोटो लेयर के ऊपर पहले आ जाइए, नीचे थोड़ा सा खींच करके पे फास्ट पे फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन आप लोगों को ऊपर में एडजस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन ऐसे आप लोगों को बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा खींच करके यहाँ पे विग्निटी इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। देन नीचे जो विग्निटी है इसको +100 करके नीचे बीच पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सारे फोटोज के ऊपर एक डार्क इफेक्ट ऐड हो जाएगा।
तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। देन थोड़ा सा खींचकर के आप लोगों को एकदम फास्ट बिटमैप के ऊपर आ जाना है। अब आप लोगों को नीचे जो लिरिक्स वीडियो और फास्ट फोटो के बीच में जो प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, इस प्लस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो ये जो फास्ट प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे एक इफेक्ट को ऐड करना है। तो फास्ट प्लस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को सेक वन इफेक्ट को ऐड करना है। तो नीचे पे सेक वन इफेक्ट को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सेक वन इफेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब भी इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, देन नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना। तो ये फर्स्ट प्लस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को सेक वन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। देन ये जो नेक्स्ट प्लस ऑप्शन है यानी कि सेकेंड प्लस ऑप्शन, इसके ऊपर आप लोगों को जूम वन इफेक्ट को ऐड करना है। तो नीचे जूम वन को ढूंढ के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाइए। अब इधर से जितना भी प्लस ऑप्शन है, एक प्लस ऑप्शन के ऊपर सेक वन और नेक्स्ट प्लस ऑप्शन के ऊपर जूम वन, इस तरह से आप लोगों को सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर इफेक्ट को ऐड करना है। तो नेक्स्ट जो प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर हम लोग करेंगे सेक वन इफेक्ट को ऐड। सेक वन इफेक्ट को ऐड करने के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट प्लस ऑप्शन आएगा इसके ऊपर करेंगे जूम वन इफेक्ट को ऐड। इस तरह से आप लोगों को सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर इन दो इफेक्ट को अप्लाई करते रहना है। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इस प्रोसेस से सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर इफेक्ट को ऐड कर लेना। तो गाइस सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर इफेक्ट को ऐड करने के बाद खिसका के एकदम फास्ट बिटमैप के ऊपर आ जाइए। अब इधर से आप लोगों को एक इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है। तो इफेक्ट वीडियो को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे ऐड करने के लिए फिर थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन अपने गैलरी से आप लोगों को इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है। तो ये वीडियो ऐड हो जाने के बाद नीचे थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये फुल स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा। देन नीचे और थोड़ा सा खिसकाओगे तो नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग नेम का। इस ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से आप लोगों को स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। देन नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। तो इफेक्ट वीडियो यहाँ से ऐड हो जाएगा। देन आप लोगों को फिर से फर्स्ट बिटमैप के ऊपर आ जाना है। अब इधर से आप लोगों को एक पीएनजी इफेक्ट फोटो को ऐड करना है। इसका भी डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो ऐड करने के लिए भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ऊपर में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से डाउनलोड किए हुए पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना है। तो PNG इफेक्ट फोटो ऐड हो जाने के बाद नीचे थोड़ा सा खींचकर आप लोगों को फिर से नीचे फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। देन थोड़ा सा आगे जाके इसका जो ड्यूरेशन है इस तरह से खींच के इसको पूरा वीडियो पर अप्लाई कर देना है। देन गाइस आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो प्रीव्यू का जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए आप लोगों को ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।